हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ही हफ्ते में दो बार ट्रैवलिंग किया, वो भी 3200 किलोमीटर। तो ज़्यादा टायर्ड हो गया था और कल ही मैंने चेन्नई में फिर से कदम रखा। जैसे कि कल सुबह 4 बजे मैंने ट्रेन से उतरा था, तो पूरा दिन इतना थकान था तो मैं पूरा दिन रेस्ट ले लिया। तो आज एक ज़रूरी काम था जिसके लिए सुबह से मैं लॉगिन नहीं किया, लेकिन 6 बजे से मेरा टाइम था गिग्स का, तो 6 बजे अभी बस जस्ट 6 बज गया और लॉगिन भी कर दिया। और एक हफ्ता मतलब 10 दिन बाद फिर से काम कर रहा हूँ और देखता हूँ कितना मिलता है। और सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और लगता है आप लोग भी सब ठीक ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ कब तक ऑर्डर लगता है। और अभी अभी जो जैसे कि लॉगिन किया था, साथ ही साथ फ़ोटो मांग लिया, ये जो एप्लीकेशन है जोमेटो का वो अपडेट ले लिया, क्योंकि कंटिन्यू काम नहीं करने से ऐसा अपडेट लेता है, तो अभी भी ले लिया। तो सब कुछ सही है और आगे जाके क्या होगा वो तो ऊपर वाला के हाथ में है, तो देख लेता हूँ क्या क्या होता है। दोस्तों, बहुत उम्मीद लेके घर गया था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा सोच के गया था, क्योंकि सोचने से कुछ ही नहीं होता। जब तक भगवान का साथ नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होता। तो फिर से एक हफ्ता बाद फिर से जाना पड़ेगा, तो एक हफ्ते के लिए मैं काम करने वाला हूँ अभी के लिए। तो एक हफ्ता मैं जैसे कि रहने वाला हूँ चेन्नई में, तो एक हफ्ता काम करेंगे और एक हफ्ता में जो भी मिलेगा वो कुछ ना कुछ काम पे आ ही जाएगा। ठीक है, जिसके लिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया काम आज से, और देखता हूँ आज तो 4 या 5 घंटे जैसे काम होगा। गिग्स बुक करने का मौका नहीं मिला था, और ऊपर से दोस्तों आज इम्पोर्टेंट काम मतलब आज भी हॉस्पिटल गया था, तो हॉस्पिटल जाने से पूरा दिन थोड़ा बर्बाद हो जाता है जैसे कि। तो बस इसलिए 6 बजे से लॉगिन कर दिया और बस अभी से काम स्टार्ट करेंगे। और घर जाके जितना कुछ सोच के गया था ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस एक ही काम कंप्लीट करके आया और बाकी जो काम है वो जाने के बाद करना है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कब आता हो, कब जाता हो, कब काम स्टार्ट करता हो, कब स्टॉप करता हो, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ आप लोगों से डिस्कस कर दिया। और आने का वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक ही हफ्ते में दो बार आना जाना इतना दिक्कत हो रहा है मेरे को, और ऊपर से सीट मिल गया था, सब कुछ सही था, लेकिन बॉडी पेन हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए एक ही रूट को दो बार शूट करना सही नहीं लगा, जिसके लिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। तो सोचा कि एक बार मैं बस ड्यूटी के साथ अपना पूरा पिछले जो हुआ है सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बस कर भी दिया। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आज का काम में कितना मिल रहा है वो तो काम करने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गया, देख सकते हो 6:05 हो गया और 6:01 पर मैंने लॉग इन किया, और अभी तक ऑर्डर 0-0 है, पे आउट भी 0 है, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। और मैं ब्रॉन्ज पार्टनर पे हूँ, सो अगले कुछ दिन का गिग्स मैंने ऑलरेडी बुक करके रखा हूँ। अब देख सकते हैं गिग्स तो आज का जो है 14 सितंबर, तो उसका मैं एक गिग्स से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, और 4 गिग्स मेरा हाथ में है। कल के लिए भी मैं 5 गिग बुक कर दिया क्योंकि कल थोड़ा घूमने जाना है समुंदर के पास, और कल काम कर पाऊँगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन गिग्स ऑलरेडी बुक करके रखा हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। कल आने दीजिए तो पता चल जाएगा। और ये हफ्ते का तो कुछ हुआ भी नहीं, और आज से जैसे कि स्टार्ट कर रहा हूँ तो आज से जो भी होगा होगा। वीकली अगर देखना है तो सिंपली 0-0 ही है, 2 दिन ऑलरेडी चला गया मंडे ट्यूसडे को, अभी वेडनेसडे चल रहे, तो देखता हूँ आज कितना होता है। पिछले हफ्ता मैंने इस दिन काम किया था, जैसे कि मैं घर जा रहा था तो उस टाइम मैंने काम किया था, उस दिन मेरे को 414 रुपये के आसपास मिला था। ठीक है, दोस्तों आज का पहला ऑर्डर वो भी 20 रुपये का, तो जल्दी जल्दी चलता हूँ और इसको कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, एक हफ्ता हुआ नहीं मैंने घर गया, लेकिन लोकेशन भूल गया। अभी भी जो ऑर्डर आया था यहीं पे आया था, लेकिन मैं चला गया था कोई केक शॉप में, तो फिर आ गया, देखा तो ये लोकेशन अलग है, तो फिर आ गया इधर ही। दोस्तों, ऑर्डर तो पहले से रेडी था, मैं ही आने में लेट कर दिया, तो बस ये ऑर्डर को डिलीवरी करता हूँ, और आज का पहला अर्निंग एक हफ्ते के बाद 20 रुपये कमाता हूँ बस। दोस्तों, ड्रॉप लोकेशन में भी पहुँच गया, बहुत ही नज़दीक था, 1 किलोमीटर के अंदर, जिसके लिए 20 रुपये सो रहा था, तो डिलीवरी करता हूँ, बस देखता हूँ रेटिंग क्या मिलता है। तो दोस्तों, पहला ऑर्डर डिलीवरी हो गया, कस्टमर को रेटिंग दे देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ,
और इसमें देख लेता हूँ कितना मिलता है। 20 रुपीज़ शो रहा था तो 100% 20 रुपीज़ ही मिला, और डिस्टेंस इतना भी नहीं था लेकिन शो इतना ही हो रहा है। चलो ठीक है, गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता और देखता हूँ कब तक मिलते हैं। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर भी असाइन हो चुका है और पिकअप लोकेशन में भी पहुँच गया, लेकिन अभी तक पिकअप नहीं किया, बस पहुँच गया ऑलरेडी। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर भी पिकअप कर लिया और अभी चलता हूँ ड्रॉप लोकेशन बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, क्योंकि अभी तो और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक हफ्ता बाद काम कर रहा हूँ। अभी नज़दीक हो और दूर में हो दोनों में अच्छा लगेगा, और वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा स्विगी वाले लोग वेट कर रहा है बस। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया मैंने, अभी रेटिंग भी दे दिया, सबमिट भी कर देता हूँ और देखता हूँ मिलता कितना है, क्योंकि ओके 26 रुपीज़, लेकिन डिस्टेंस पहले से भी बहुत कम था, लेकिन इस बार ज़्यादा मिला, पहले में थोड़ा कम मिला। चलो दोस्तों अभी अभी एक ऑर्डर को मैंने एक्सेप्ट किया और इसमें देख सकते हो 20 रुपीज़ का टिप्स है, से थैंक यू बोल देता हूँ, और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर है इसमें 33 रुपीज़ हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने इसको कंप्लीट करता हूँ। मैं रेस्टोरेंट पे आया था, अंदर जाके पूछा, बोला भाई 10 मिनट लगेगा, अब चाय भी जाए चाय पीना है तो चाय पी के आ जाए, 10 मिनट तक लग जाएगा, तो बस इधर थोड़ा घूमेंगे जब तक रेडी नहीं होता है। तो दोस्तों एक बात बताने गया था उस टाइम, तो ऑर्डर आ गया तो बता नहीं पाया, तो वो बात मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ कि एक रनिंग ज़िंदगी है ना, जब एक आपका ज़िंदगी किसी भी तरह रनिंग हो गया और बीच में फिर से स्टॉप कर दिया, उसको फिर से रनिंग करने में आपको बहुत गलती होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक एग्जांपल है, जैसे कि आज मैं पहला ऑर्डर कंप्लीट करने गया तो मैं गलत लोकेशन में पहुंच गया, कि ऐसा ही होता है। मैं एक हफ्ता जैसे कि 10 दिन से भी ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, तो सडनली जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट तो है बहुत लेकिन वो गलती हो जाता है, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं करना है कि रनिंग ज़िंदगी को कोई भी काम को स्टॉप कर देना चाहिए, बस सोच समझ के दूसरा काम में मूव हो जाओ, ठीक है, लेकिन कोई भी काम पूरी तरह बंद मत करो, ठीक है, ऐसा होता है, मैं भी ऐसा एक बार नहीं कई बार एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, बस वही बस शेयर करना था। दोस्तों ये थर्ड ऑर्डर ही रनिंग हो रहा है और बस इतना दिन बाद काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैं कभी भी छुट्टी करना नहीं चाहता हूँ, मजबूरन जब हो जाता है फिर से काम जब स्टार्ट करता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मैं, और काम करने में मुझे हमेशा अच्छा लगता है। घर गया कैसे इतना टाइम चला गया पता नहीं, आने जाने में ही तो 3-6 दिन चला गया, ठीक है, बाकी रहा 2-3 दिन घर में था, बस ये एक दो काम इधर उधर करते करते वो भी ख़त्म हो गया, टिकट बनाने के लिए चला गया 2 दिन, क्योंकि 3 दिन बीच में था, 3 दिन में 2 दिन चला गया टिकट बनाने में, पहले दिन चला गया था तत्काल टिकट बनाने के लिए, तो उस दिन मुझे नहीं मिला था, पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, दूसरा दिन तो गया था तो उस दिन भी चांस नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही रिक्वेस्ट किया था तो एक दो आदमी थोड़ा सा हेल्प कर दिया, तो मेरा टिकट बन गया और मैं तुरंत आ गया फिर से, और कल जैसे कि पहुँचा था सुबह तो एक मेडिकल इशूज़ था, मेरा फैमिली पर्सन का, तो वो तो आज सुबह ख़त्म कर गया, फिर अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा काम कभी बंद ना हो, ठीक है, कैसे भी करके रनिंग होना चाहिए, ये अच्छा लगता है मेरे को। मेरा जितना भी दोस्त है मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, जैसे कि मेरा $100 कम्प्लीट हो गया है, $100 कम्प्लीट होके $0.55 हो गया, ठीक है, मतलब $100 होने के बाद ही 55 पैसा जैसे कि होता है वैसा ही हो गया है, तो ये पैसा मेरा अकाउंट में क्रेडिट होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं सुना था कि जब $100 कम्प्लीट हो जाता है यूट्यूब अकाउंट में, एडसेंस अकाउंट में, तो अपना जो पर्सनल बैंक है इंडियन बैंक उसमें ट्रांसफ़र होता है, तो मेरा तो हुआ है, मेरे को पता नहीं, तो आप लोगों को अगर किसी भी तरह पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि सच में बोलता हूँ पैसों का बहुत ज़रूरत है, इतना ज़रूरत कि क्या बताओ, एक दिन भी रेस्ट नहीं ले पाता हूँ काम की वजह से, पैसों की वजह से, तो अगर आप लोगों को जानकारी है तो प्लीज़ बताना, और ऐसा ही अगर मिल जाएगा तो उसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, और सुना था यूट्यूब से पैसा मिलता है, बस उसको हकीकत में बदलना है, मुझे वही देखना है, बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे पेमेंट मिलेगा, मतलब सुन के आया वो, बस वो जब हकीकत में मिलेगा तो दिल से बहुत खुश हो जाता। ये जो चैनल है मैं इस पर बहुत दिन से आप लोगों को जितना दिन वीडियो देख रहे हो
उससे भी ज़्यादा दिन से मैंने काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बनता है, थोड़ा बहुत पेमेंट आता है कि नहीं, बस अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन $100 कंप्लीट हुआ है, वो मैंने देखा है, चेक किया था एडसेंस अकाउंट में, तो उधर देखा है कि $100.54 तो मिलना चाहिए। दोस्तों फिर से बहुत दिन बाद मैंने बोला यार, बस एक ऑर्डर है जिसके वजह से आना पड़ा। तो बहुत दिन बाद, लगभग 12 दिन बाद फिर से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ मैंने माल का। लेकिन आज तो ऐसे ही ज़्यादा सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा आदमी होता है, लेकिन आज तो नहीं है, जिसके लिए कम आदमी है बहुत। दोस्तों एक एक कर करके काफ़ी सारा ऑर्डर कर दिया, लेकिन पैसा बहुत ही कम दे रहे हैं। पहले जैसे ही हुए 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, तो एक ही ऑर्डर में 33 रुपीज़ मिला और एक ऑर्डर में 30 रुपीज़ मिला, बाकी सब 20 रुपये के आसपास ही है। तो लास्ट तक कितने मिलता है देखता हूँ। और अभी एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ चाय गली से, तो ऑर्डर पास में है, ये 100-200 मीटर के आसपास है, तो इसको डिलीवरी करता हूँ। इसमें कितना मिलेगा वो तो मैं देखा भी नहीं। दोस्तों ये जो ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, इसका डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 250 मीटर होगा, लेकिन इसमें मिला है मुझे 30 रुपीज़। लेकिन जब मैंने 1 किलोमीटर गया था तब मुझे मिला था 20 रुपये। क्या करता है कभी कभी पता नहीं चलता। तो अभी 11 ऑर्डर कंप्लीट किया, लेकिन अभी तक 300 रुपये पूरा नहीं हुआ। ऊपर से एक एक ऑर्डर में बहुत ही कम पैसा दे रहा है, अगर थोड़ा ज़्यादा स्लो रहा है लेकिन देने के टाइम बहुत ही कम दे रहा है। और क्या बात बताऊँ, बहुत टायर्ड भी हो गया, और टायर्ड होने के बाद काम करो आज, और ऊपर से मोबाइल के बैटरी भी ख़त्म हो गया। तो ये ऑर्डर शायद ही लास्ट ऑर्डर होगा, तो ये ऑर्डर को अभी अभी जस्ट अभी 1 मिनट भी हुआ नहीं, एक ऑर्डर आया, इस ऑर्डर को कंप्लीट करता हूँ। और इसमें 28 के आसपास दिखा रहा था पैसा, तो देखता हूँ कितना मिलता है। और ये ऑर्डर करने के बाद ही 300 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर के साथ अपना ड्यूटी ख़त्म होगा, तो चलिए इसको कंप्लीट करता हूँ पहले। तो ये जो लास्ट ऑर्डर है, लास्ट ऑर्डर के पिकअप लोकेशन में तो पहुँच गया, लेकिन ऑर्डर रेडी होने में 9 मिनट तक लगेगा, तो देखता हूँ कब तक मिलता है। 9 मिनट से पहले भी मिल सकता है, जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी ड्यूटी ख़त्म होगा इसका। सोचा था लास्ट ऑर्डर जल्दी जल्दी देख के रूम चला जाऊँगा, ऐसे भी हालत बहुत ख़राब चल रहे हैं, लेकिन इतना दूर दे दिया। फिर वो दूर जाने के बाद फिर आने का, मतलब आने के टाइम इतना सारा ऑर्डर दे देता है, उधर से जाने के लिए मन ही नहीं करता है। लेकिन अभी एक्सेप्ट कर लिए, पहुंच गया, और कुछ पैसा भी चाहिए 300 रुपये होने के लिए, जाना तो पड़ेगा ही, तो करना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक ऑर्डर असाइन हुआ है, पिक ऑर्डर इन 8 मिनट्स, और ऑर्डर आईडी देख सकते हो 0091, और अभी तक जो अर्निंग है वो देख सकते हो 298 रुपीज़, और टोटल जो टाइमिंग है 4 घंटा 16 मिनट। ऑर्डर मेरा रेडी हो गया, जल्दी जल्दी इसको पिकअप करते चलता हूँ। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो अभी से ऑफ कर देना है, नहीं तो उधर से ऑर्डर आ जाएगा, इतना दूर दूर मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो दोस्तों इस ऑर्डर कंप्लीट करने से पहले मैं इसको ऑफलाइन करना चाहता हूँ, तो गो ऑफलाइन, ऑफलाइन कर देता हूँ, कन्फर्म भी कर देता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन हो गया, ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद ही मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा। तो दोस्तों लास्ट ऑर्डर हो गया डिलीवरी, तो रेटिंग दे देता हूँ। और एक्चुअली ये डिलीवरी नहीं करना पड़ा, मैं गेट में छोड़ के जा रहा हूँ, कस्टमर ने खुद कॉल करके बोल दिया। तो इस ऑर्डर में मिला मुझे 28 रुपीज़, और बहुत फास्ट गाड़ी चलाया था जिसके लिए जल्दी हो गया। गो टू फीड में चला जाता हूँ और रेटिंग भी दे देता हूँ, जितना भी देना है दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल अर्निंग आप देख सकते हो 327 रुपये, 12 ऑर्डर कम्प्लीट किया, टोटल जो टाइमिंग है वो 4 घंटा 24 मिनट है। और अभी भी ऑनलाइन जाने का मौका है, और मेरा ब्रॉन्ज पार्टनर था, मैं ऑलरेडी सिल्वर पार्टनर में मूव हो गया, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर दिया सब कुछ जो क्राइटेरिया था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, और काल का काफ़ी सारे गिग्स मेरे पास अवेलेबल है, मैंने बुक करके रखा है। और मेरा एक गिग्स आप देख सकते हो इधर अभी भी है, 11 बजे से 12 बजे तक, लेकिन अभी मेरा टायर्डनेस के वजह से मैं नहीं करूँगा। वीडियो वा फोटो वा फोटो। तो ड्यूटी तो ख़त्म हो गया, लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं किया था, और अभी आ रहा हूँ खाने के लिए, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और खाना रात में खाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाऊँगा। सो वीडियो याद तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।